तो यार भाई क्या हाल है। देखो यार, हर कोई जब भी कोई एक्शन कैमरा लेता है तो पहले दौड़ के दिखाता है। सीधी सी बात है, मैं भी आपको दौड़ के दिखाऊंगा। तो चलिए हम दौड़ते हैं। और अभी यहाँ पे देख सकते हो, ये रॉक स्टडी मोड पे है। और आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा होगा कि कैमरा एकदम हिल रहा है या फिर शेक शेक हो रहा है, बिल्कुल भी शेक नहीं हो रहा है। क्योंकि ये इसकी बहुत ही अच्छी खासियत है। मैं कितना भी दौड़ते दौड़ते वीडियो बनाऊँ, वीडियो काफ़ी अच्छी बनेगी, काफ़ी स्मूथ बनने वाली है, ठीक है। और ये 1080 पिक्सल में अभी और 60 FPS में ये वीडियो बन रही है। रॉक स्टडी मोड को बंद करने के बाद में ये एक वीडियो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और एक बार फिर उसके बाद में उसको दौड़ के दिखाता हूँ। तो यार भाई, अभी ये जो वीडियो बन रही है, ये बन रही है 1080 पिक्सल में और 60 FPS में। इसमें मैं आपको अभी रन करके दिखाऊंगा और देखूंगा कैमरा शेक होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये कैमरा है और अभी काफ़ी शेकी फील हो रहा होगा आप लोगों को। आप दोनों में कंपेयर कर सकते हो। तो भाई यही सबसे अच्छी और ज़बरदस्त खासियत है इस कैमरे की। और सबसे बड़ी बात, वाइड एंगल। हाथ आपका पास में भी रहेगा लेकिन पूरा पीछे का बैकग्राउंड, पूरा पीछे एरिया है, सब कुछ ये एक कवर करेगा। तो यार दोस्तों, फाइनली आ गया हमारे पास में DJI का ऑस्मो एक्शन का कैमरा, जिसका बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था। आज मैं आपके सामने इसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। और यार, व्लॉगिंग चैनल के लिए ये मैंने लिया हो, आप प्लीज़ हमारे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा। फटाफट से इसको आपके सामने व्लॉगिंग करके दिखा देते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ दो बॉक्स हमको मिल जाते हैं, जिसमें एक कैमरा और जिसमें एक बैटरी और चार्जर का ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हो, मैं सबसे पहले अपना कैमरे को मैं ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन करके यहाँ पे हम अपने कैमरे को देखते हो, और काफी शाइनी लुक, हेवी लुक और काफी सुपर कैमरा दिख रहा है, ठीक है। सच में यार, इसका लुक काफी लाजवाब है, काफी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हो, उसका लेंस के साथ में दिया गया है, और पीछे फ्रंट और बैक दोनों तरफ स्क्रीन दी गई है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कैमरे की, यहाँ पे लोगो दिया गया है ऑस्मो एक्शन का, और कंपनी का यहाँ पे अपना लोगो है। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, ये है पॉलीथीन लगी हुई, ऑलरेडी कंपनी फिटेड। और इसके ऊपर का जो भी कवर है, जो इसका सिक्योरिटी का काम करता है, जो इसको टूटने फूटने से इसको बचाता है, इस कवर को अभी मैं निकाल लूंगा। कवर काफी हेवी है, काफी अच्छा जो है, कि हमेशा आपके कैमरे को सेफ्टी में रखेगा, हमेशा प्रोटेक्ट करेगा आपके कैमरे को। इसको रखना बहुत जरूरी है, काफी अच्छा मुझे लगा ये फीचर। और इसको मरते थोड़ा देर साइड। तो बात करते भाई इसकी बिल्ड क्वालिटी की, तो काफी हेवी है, काफी अच्छा है, सच में लगता है भाई हाथ में कुछ है। तो यहाँ पे साइड में दो बटन दी गई है, और उसका यूज़ तो मैं आगे चल के आपको हर एक चीज बताने वाला हूँ। नीचे में बैटरी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ऑन ऑफ का और डिस्प्ले का भी बटन दिया गया है। और सच में यार, कैमरा है यार मज़ेदार। इसको थोड़ा देर रखते हैं भाई साइड में, और बात करते हैं सेकंड बॉक्स की। इसके साथ में हमको क्या एसेसरीज मिलती है, तो यहाँ पे हमको मिलता है इसका बैटरी पैक, जो कि भाई कंपनी बताती है 1300 mAh की ये बैटरी है, लेकिन पता नहीं अभी कितना चलती है। या मैं इसका पूरा डिटेल में रिव्यू करने वाला हूँ। और बैटरी काफ़ी अच्छी है, यहाँ पे हेवी भी है और ऊपर से काफ़ी चिकनी है। और यहाँ पे देखते हैं, इसका कवर ऊपर का है नहीं, मतलब ये मतलब जो बैटरी के ऊपर जो बना हुआ है, यही कवर का और लीड का उसका काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बैटरी को यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा सिस्टम दिया गया कि बैटरी आपकी सेफ्टी में रहे और ख़राब ना हो। उसके अंदर हम मेमोरी कार्ड या फिर जो कुछ भी हमारे पास छोटी एसेसरीज है, उसको इस बॉक्स के अंदर में हम रख सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और इस बैटरी को सबसे पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, और इंसर्ट करने का कुछ अपना तरीका है इसका। और यहाँ पे देख सकते हो, इसको इस बटन को यहाँ पे इसको हमको अच्छे से प्रेस कर देना है। और प्रेस करने के टाइम में यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका ऐसा दिखना चाहिए, जो येल्लो साइन है वो येल्लो साइन हट जाना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हो, ये येल्लो साइन हट गया है। तो भाई इसको निकाल लेते हैं पहले, और मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। इसको ऑन करके बैटरी लगा लिया मैंने, और यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश का, ठीक है। तो इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा, और यहाँ पे एक्टिवेशन का कोड इसको स्किप कर दूंगा, डेट यहाँ पे फिक्स कर दूंगा मैं, और टाइमिंग भी फिक्स कर दूंगा अपना टाइमिंग। और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो, एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। मतलब हमको इसको अपने मोबाइल में कनेक्ट करके इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा विद बारकोड। यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं कर सकता जब
तक मैं इस डिवाइस को एक्टिवेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो भाई अगली वीडियो हमारी आने वाली है इसको एक्टिवेट करने के बारे में और इसको कंप्लीट गाइड कैसे यूज करना है, हर एक चीज अगली वीडियो में होने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। मिलेंगे बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।